इसराइल ने हिजबुल्ला के खिलाफ छोटे पैमाने पर ज़मीनी हमले किए हैं और फिर शुरू कर दिए हैं। इसके साथ ही इसराइल ने अपने तीन उत्तरी समुदायों को बंद सैन्य क्षेत्र घोषित कर दिया है, जिससे यह संकेत मिल रहे हैं कि ईरान समर्थित आतंकवादियों से लड़ने के लिए लेबनान में जल्द ही अधिक सेना भेजी जा सकती है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा है कि इसराइल ने अमेरिका को हमलों के बारे में जानकारी दी है, जिसे उन्होंने सीमा के पास हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे पर केंद्रित समिति अभियान के रूप में वर्णित किया है। वहीं गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद इसराइल और हिजबुल्ला के बीच लगभग हर दिन गोलीबारी हो रही है। इस लड़ाई से इसराइल और लेबनान दोनों ही हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। इसराइल का कहना है कि वह हिजबुल्ला पर जब तक हमला करना जारी रखेगा तब तक कि सीमावर्ती समुदायों से विस्थापित इसराइलों के लिए अपने घरों में लौटना सुरक्षित न हो जाएगा। वहीं हिजबुल्ला ने गाजा में संघर्ष विराम होने तक इसराइल पर रॉकेट दागने का वादा भी किया है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि इसराइल ने लेबनान में व्यापक जमीनी अभियान पर अंतिम निर्णय लिया है या नहीं लिया है। सोमवार की बात करें तो सोमवार को हिजबुल्ला ने वादा किया है कि वह अपने नेता हसन नसरल्ला और एक अन्य शीर्ष अधिकारियों की हाल ही में इसराइली इमारतों में मौत के बाद भी लड़ना जारी रखेगा, यानी कि लड़ाई जो है वो जारी रखेगा। हालांकि इसराइल के उत्तरी समुदाय मेटुला, मिसगांव एम और कैफर गिलादी में प्रवेश और निकास पर प्रतिबंध लगाने का भी आदेश इसराइली सेना के लेबनान ने तुरंत आक्रमण करने के संकेत नहीं देता है। तत्काल खतरा होने पर इसराइली क्षेत्रों को बंद सैन्य क्षेत्र घोषित किया जा सकता है, लेकिन हाल के दिनों में इसराइली सेना ने लेबनान की सीमा के साथ बलों की भारी तैनाती कर दी है। वहीं कमांडरों का कहना है कि सरकार के आदेश पर वो अधिक सैन्य बल भेजने के लिए तैयार हैं। उत्तरी इसराइल के निवासी क्रिश कॉयल ने कहा है कि सेना ने पूरे क्षेत्र में फाटक और चेक पोस्ट लगाए हैं, सीमा के साथ कई टैंक तैनात किए गए हैं, वहीं जरूर अंदर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा निकटवर्ती गोलान हाइट्स में एक रिपोर्टर ने दक्षिणी लेबनान में इजरायली तोपखाने की आग और विस्फोटकों की आवाज़ें सुनी हैं। इजरायली बलों ने लेबनान में गोलीबारी भी जारी रखी है। वहीं इजरायली हमलों में पिछले 10 दिनों में नसरल्ला और उसके 6 शीर्ष कमांडर और अधिकारी मारे गए हैं। इजरायली सेना के अनुसार उन्होंने लेबनान के बड़े हिस्सों में हजारों आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 2 हफ्तों में देश में 1000 से अधिक लोग मारे गए हैं, जिनमें से लगभग 1/4 महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। सोमवार सुबह मध्य बेरूत में एक आवासीय इमारत पर हवाई हमला किया गया है, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो, जिसमें 3 फिलिस्तीनी आतंकवादी मारे गए हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि इसराइल ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि लेबनान का कोई भी हिस्सा उसकी पहुंच से बाहर नहीं है। हिजबुल्ला ने हाल के हफ्तों में भारी नुकसान उठाया है। बावजूद इसके हिजबुल्ला के कार्यकारी नेता नईम कासिम ने एक बयान जारी कर कहा है कि यदि इजरायली जमीनी हमला शुरू करने का फैसला करता है तो हिजबुल्ला के लड़ाके तैयार हैं। नईम का कहना है कि मारे गए कमांडरों की जगह पहले ही ले ली गई है। वहीं आपको ये भी बता दें कि नसरल्ला के लंबे समय से डिप्टी रहे नईम कासिम तब तक कार्यकारी पद पर बने रहेंगे जब तक कि समूह का नेतृत्व तो एक नया नेता चुन नहीं लेता है। नसरल्ला के चचेरे भाई हाशिम सफीदीन को शीर्ष पद पर लेने की उम्मीद है, जो हिजबुल्ला के राजनीतिक मामलों की देखरेख करता है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से हमास, इसराइल और हिजबुल्ला का मुद्दा जो उठ रहा है वो विदेशों में काफी चर्चा का विषय भी बना हुआ है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।